साथ बोलिए भारत माता की। भाई 75 साल हो गए ऐसी आवाज नहीं चलेगी। सारे लोग यहां से पूरे देश में आवाज जानी चाहिए। आज हैदराबाद मुक्ति दिन है, मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए मुक्ति के संघर्ष को श्रद्धांजलि के लिए। प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मेरे मित्र और साथी मंत्री, तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान जी किशन रेड्डी जी, भारत सरकार के गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला जी, संस्कृति मंत्रालय के भारत सरकार के सचिव श्री गोविंद मोहन जी, निर्देशक आसूचना ब्यूरो श्री तपन डेका जी, सीआरपीएफ के डीजी डॉक्टर सुजोय लाल थाउजन जी, एसएसबी की डीजी श्रीमती रश्मि शुक्ला जी, आज जिन्होंने शिस्तबद्ध और शौर्य से प्रेरित परेड का प्रदर्शन किया है, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के मेरे प्यारे जवान भाइयों बहनों, उपस्थित सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस के परिवारजनों और तेलंगाना के प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को तेलंगाना मुक्ति दिन की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं यहां हैदराबाद मुक्ति संघर्ष में लाखों लाखों जनता ने जो हिस्सा लिया वो वीर नागरिकों को प्रणाम करना चाहता हूं। इसके साथ साथ कई लोगों ने हैदराबाद को मुक्त कराने के लिए अपनी जानों का बलिदान दिया, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, वो जनता और वीर शहीद जवानों को भी मैं शीश झुकाकर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और आज तेलंगाना, कल्याण कर्नाटक और मराठवाड़ के ये विशाल क्षेत्र को भारतीय संघ में विलय करने के लिए जिनकी प्रमुख भूमिका रही, वो सरदार पटेल को भी मैं बहुत श्रद्धा के साथ नमन कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज तेलंगाना मुक्ति के 75 साल पूर्ण हो रहे हैं। मैं कोई झिझक के बगैर कहना चाहता हूं कि महापुरुष लोह पुरुष सरदार पटेल न होते तो तेलंगाना को इतनी जल्दी मुक्ति नहीं मिलने वाली थी। वो सरदार पटेल ही थे जिन्होंने सारी चीजों को ठुकराकर सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम के सिद्धांत को चरितार्थ कर हैदराबाद पुलिस एक्शन की डिजाइन की और उसको खून का कतरा बहाए बगैर निजाम के रजाकारों की सेना को सरेंडर कराने का साहस दिखाया। सरदार पटेल और केएम मुंशी की ये युति ने, ये जोड़ी ने तेलंगाना क्षेत्र के, कर्नाटक के बीदर क्षेत्र के और मराठवाड़ा के ये विशाल क्षेत्र को हमारे महान देश के साथ जोड़ने का काम किया। इसके साथ साथ तेलंगाना मुक्ति के लिए स्वामी रामतीर्थ एस चेन्ना रेड्डी, नरसिम्हा राव, साहिक बंदगी के वी नरसिम्हा राव, विद्याधर गुरु पंडित केशव कोरटकर और इसके साथ साथ अनाबेरी प्रभाकर राव, वद्दम येल्ला रेड्डी, रवि नारायण रेड्डी, बरुगुला रामकृष्ण राव, कलोजी नारायण राव, दिगंबर राव,
वामनराव नाईक और श्री वाघमारे को भी मैं मन से श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, अभी अभी देश ने अपने आजादी का महोत्सव मनाया और आज तेलंगाना मुक्ति का दिन है। अंग्रेजों के गुलामी से मुक्ति के बाद, समग्र देश आजाद होने के बाद 399 दिन तक यहां पर क्रूर निजाम का शासन रहा और ये 399 दिन 400 दिन समग्र तेलंगाना क्षेत्र की जनता के लिए नरक की यातनाओं से भी कठिन दिन थे। सरदार पटेल ने इस क्षेत्र की जनता की भावनाओं को सम्मान देते हुए 400वें दिन पर इस क्षेत्र को आजाद किया। कई संगठनों ने संघर्ष किया, आर्य समाज, हिंदू महासभा, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में छेड़ा गया वंदे मातरम आंदोलन, बिदर क्षेत्र के किसानों द्वारा रचे गए लोक संघर्ष के गीत और आंदोलन, और युवाओं ने साथ में मिलकर तेलंगाना मुक्ति का जो आंदोलन किया था उसको अंतिम स्वरूप देने का काम हमारे श्रद्धेय लोह पुरुष सरदार पटेल ने किया। मित्रों, जैसा किशन जी ने बताया, 75 साल तक देश की किसी सरकार ने इस महान दिन को, इसकी ऐतिहासिक स्मृति को, हमारी युवा पीढ़ी को याद कराने के लिए कार्यक्रम की रचना नहीं की। तुष्टीकरण की नीति के कारण हमेशा वो डरते रहे और तेलंगाना मुक्ति दिन मनाने की सिलसिला नहीं शुरू हुआ। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देना चाहता हूं कि 17 सितंबर को गत वर्ष जब 75 साल हुए, उन्होंने एक नई परंपरा शुरू की। 17 सितंबर को सांस्कृतिक मंत्रालय तेलंगाना विमोचन दिन मनाएगा और वो महान शहीदों को श्रद्धांजलि देकर हमारे नई पीढ़ी को ये संघर्ष की याद दिलाएगा। मित्रों, इसके पीछे हमारे तीन उद्देश्य हैं। एक, नए पीढ़ी को, बालकों को, किशोरों को ये महान संघर्ष की याद दिलाना और देशभक्ति के संस्कार से सिंचित करना। दूसरा, उन शहीदों को श्रद्धांजलि देना जिन्होंने हैदराबाद मुक्ति के लिए काम किया। और तीसरा, अपने आप को, राष्ट्र को पुनः समर्पित करना कि शहीदों ने जो स्वप्न देखे थे, इस प्रकार के राष्ट्र की निर्मिति के लिए हम आगे बढ़े। आज यहाँ पर SSB इब्राहिम पट्टन के पारिवारिक आवास का वर्चुअल शिलान्यास हुआ है। SSB की फोर्स में काम करने वाले दक्षिण भारत के सारे जवानों के परिवारों के लिए एक नई शुरुआत है और मैं आशा करता हूं उससे परिवारजनों के जीवन में काफी सुलभता आएगी, सुगमता आएगी और सुविधा युक्त जीवन ये जी पाएंगे। आज यहाँ पर प्रसिद्ध पत्रकार और शहीद सोहेबुल्ला खान और रामजी गोंड दोनों की स्मृति में डाक टिकट भी जारी किए गए हैं और आज यहाँ दिव्यांग भाइयों और बहनों को भी बैटरी से चालित ट्राइसिकलर का वितरण भी करने वाले हैं, क्योंकि आज हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और उसको हम सेवा दिन के रूप में भी मनाते हैं। आज ही के दिन मोदी जी का जन्म हुआ और विगत 9 वर्षों में आजादी के लिए संघर्ष करने वाले हमारे आजादी के नेताओं ने जो स्वप्न देखे थे वो भारत के निर्माण के लिए, मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत आगे बढ़ चुका है। 11वें स्थान पर जो रही थी हमारी अर्थव्यवस्था 2014 में, वो आज 5वें स्थान पर आई। चंद्रयान पहुंचाने वाला भारत विश्व में चौथा देश बना है और G20 के माध्यम से भारत की संस्कृति, भारत की कला, भारत के खान पान,
भारत की वेशभूषा भाषाएं इस सभी को विश्व के अंदर प्रसिद्ध करने का काम हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री ने किया है। इसके साथ साथ अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल कर G20 को G21 में परिवर्तित करने का काम भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। आतंकवाद, क्लाइमेट चेंज और अर्थव्यवस्था के बारे में मोदी जी का दृष्टिकोण समग्र विश्व के नेतृत्व ने आज स्वीकारा है और वो वैश्विक एजेंडा के रूप में दिल्ली डिक्लेरेशन से प्रस्तापित हुआ है। हमारे देश की कई धरोहर, चाहे उड़ीसा का कोणार्क मंदिर हो, चाहे नालंदा यूनिवर्सिटी हो, चाहे मधुबनी का पेंटिंग हो, इसको समग्र विश्व के सामने रखने का काम ये G20 समिट ने किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की वैश्विक मान्यता मिली, UPI, बैंकिंग, आधार और मोबाइल टेक्नोलॉजी में भारत में जो क्रांति हुई है, इसकी भूरी भूरी प्रशंसा समग्र विश्व के नेताओं ने की है। मित्रों, आज मैं यहाँ आया हूँ तब बहुत लंबी बात करना नहीं चाहता, परंतु एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। ये 400 दिन के निजाम के शासन में यहाँ की जनता ने जो अपार यातनाएं सहन की है, इसका हिसाब विश्व की यातनाओं के इतिहास में कहीं पर मिलना नहीं। इसीलिए सरदार पटेल ने कहा था, स्वतंत्र हैदराबाद भारत के पेट में कैंसर के समान है, उसका ऑपरेशन के बगैर और कोई रास्ता हो नहीं सकता। और इसलिए उन्होंने पुलिस एक्शन के माध्यम से हैदराबाद को स्वतंत्र करने का काम किया। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, तेलंगाना की रत्ना के बाद भी तेलंगाना विमोचन दिन मनाने में वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण ये पार्टियां जो संकोच कर रही है, मैं उनको कहना चाहता हूं, जो अपने देश के इतिहास से मुंह मोड़ लेते हैं, देश की जनता उनसे मुंह मोड़ लेती है। हमारे देश के इतिहास पर गौरव कर, हमारे शहीदों के शहादत पर गौरव कर, स्वतंत्र संग्राम के इतिहास पर गौरव कर ही हम इस देश और हैदराबाद को, तेलंगाना को आगे बढ़ा सकते हैं। और यहां पर जिस प्रकार से निजाम के क्रूर शासन ने कई फरमान दिए थे, माफूसा और गैर माफूसा का भेद खड़ा किया था, उससे मुक्ति सरदार पटेल ने दिलाई थी। कई ऐसी घटनाएं हैं जिसके जिक्र से भी आज रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं एक ही का उल्लेख करना चाहूंगा, परकल्ला तेलंगाना, 2 सितंबर 1947, 1500 से ज्यादा लोग भारतीय तिरंगा फहराने के लिए परकल्ला कस्बे में एकत्रित हुए। निजाम की रजाकार फौज ने जनरल डायर की तरह गोलियां चलाने का आदेश किया, 150 लोग घायल हुए, कई लोग मारे गए। ऐसा निर्मम हत्याकांड मराठावाड़ा के परभणी के गुंडा गांव में भी हुआ और बीदर के पास घोरटा में भी हुआ। ये सभी से मुक्ति दिलाने का काम सरदार पटेल ने किया। KM मुंशी और सरदार पटेल, ये दो देशभक्त नेताओं ने हैदराबाद मुक्ति का डिजाइन किया और उसको अंत तक लागू किया। और 10 अगस्त 1948 को सरदार पटेल ने कहा था कि हैदराबाद समस्या के समाधान का एक ही रास्ता है और वह है हैदराबाद का भारत में विलय, जिसको 17 सितंबर 1948 को उन्होंने सरेंडर किया और निजाम शरण में आए। मित्रों, आज मैं तेलंगाना राज्य की जनता को, कर्नाटक के कल्याण कर्नाटक की जनता को और मराठावाड़ के महाराष्ट्र की जनता को कहना चाहता हूँ कि ये जो दिन है, ये दिन की स्मृति जो है, हमारा संघर्ष है, हमारे शहीदों का बलिदान है, उसको युगों युगों तक हम याद कर रखें, जिससे आने वाली पीढ़ियाँ इससे प्रेरणा ले और देश के विकास के लिए अपने आप को समर्पित करें। अंत में मैं फिर से एक बार
सरदार वल्लभ भाई पटेल, के एम मुंशी और जिन जिन सभी महान आत्माओं ने देश के लिए, हैदराबाद मुक्ति के लिए बलिदान दिया, वो सबको प्रणाम करकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ फिर से एक बार बोलिए, भारत माता की, भारत माता की।